আপনি যে এই যে আমাকে গালি দিলেন, আমি আপনাকে কোন গালি দিয়েছি? আপনারা না কিনলে আপনারা না খেয়ে মরবেন, পেঁয়াজ পচে যাবে। আমরা পণ্য কেনা বন্ধ করলে আপনাদের কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে, আপনি জানেন না এটা? জানেন না এটা? বাংলাদেশে যে হরতাল হলো, হরতালের সময় কলকাতার নিউ মার্কেটের দোকানদাররা না খেয়েছিল, ভিডিও প্রমাণ আছে, দেখবেন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। इंडियन मीडिया और इंडियन अब बांग्लादेशियों को गालियाँ देना शुरू हो चुके हैं और बांग्लादेशियों को ऐसी ऐसी गालियाँ, यानी जो आप सुन भी नहीं सकते, माँ बहन और फिर बाप की गालियाँ। और एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, वो इंडियन जर्नलिस्ट कहने को तो वो जर्नलिस्ट हैं लेकिन बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के साथ जब वो वीडियो कॉल करते हैं तो उनको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, साथ में वो गालियां भी देती हैं बांग्लादेशी जर्नलिस्ट को, तारिक साहब को। कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, हमने आपको आज़ादी दिलवाई, हम आप हमसे गंदम लेते हैं और हम आपको प्याज देते हैं, हम जो करते हैं आपके लिए और हमने आपको आज़ादी दिलवाई, यानी इस तरह की वो बातें कर रहे थे। और आप हमारा बायकॉट करते हो, क्यों करते हो आप बायकॉट, और हमें कोई परवाह नहीं है आपकी और आप जितना मर्जी बायकॉट कर लें, यानी ये उनका ये बात करने का स्टाइल था। तो फिर बाद में जब तारिक साहब ने जो जवाब दिया वो भी सुनने वाला है। वो कहते हैं कि आपने आज़ादी आपने नहीं दिलवाई, हमने खुद ली है, हमारे लोग शहीद हुए, फिर आपने तो उससे फ़ायदा उठाया, यानी इतने महंगे महंगे वेपन जो आप लेकर गए यहाँ से, तो फिर अगर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया आउट कंपेन से, बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट से, तो फिर आप क्यों हमें कॉल कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों हमें कह रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है चुप करके बैठे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया आउट कंपेन ये हमें फैसला करना है, ये हम लोग करेंगे, बांग्लादेशी फैसला करेंगे कि हमने आपकी प्रोडक्ट्स लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि ये पैसा हमारा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आप हमारे जवानों को भी शहीद करें और फिर हम आपके प्रोडक्ट्स भी खरीदें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बंगला जो इंडियन यूट्यूबर हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देखें कि आपकी गवर्नमेंट भी इसके अंदर मुलव्वस है, वो भी चुप करके बैठी हुई है, वो गवर्नमेंट को भी बुरा भला कह रहे हैं बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो खामोश है इस वक्त, वो तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही, ऑफिशियली अनऑफिशियली चुप है, खामोश है, क्योंकि अब जो ज़ाती तौर पर इतनी ज़्यादा बांग्लादेशी इसको बाइकॉट कर रहे हैं, अब हुकूमत इसमें क्या करेगी भाई, हुकूमत ने तो चुप ही होना है। तो इसके ऊपर वीडियो क्लिप है, पहले ये हम देखती हैं कि आपस में जो इनकी कन्वर्सेशन हो रही है वो सुनने वाली है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3-2-1 एंड क्यू लिखें 16 कोटी सन्तान रे हे मुग्ध जननी रेखेछो खानकির ছেলে করে মানুষ করনি, আপনি যে এই যে আমাকে গালি দিলেন, আমি আপনাকে কোন গালি দিয়েছি বলেন? শোনেন, এগুলো আপনারা গরু বিক্রি করেন, আপনাদের জাত ভাইরা গরুর বিক্রি না, আপনাদের লোকেরা চোর, আপনারা লোকেরা চুরি করে আমাদের কাছে গরু বিক্রি করে, আপনাদের লোকেরা চোর, আমরা না, আমরা না, আমাদের কি এই ক্ষমতা আছে এখান থেকে ইন্ডিয়া গিয়ে গরু চুরি করে নিয়ে আসবো? বলেন বলেন এটা বলেন, হ্যাঁ না, এটা হলো এটা শোনেন, তার কাটা টল দিয়ে ইন্ডিয়ানরা এদেশে জিনিস বিক্রি করতে আসে, ইন্ডিয়ানরা আসে এদেশে জিনিস বিক্রি করতে, আমাদের কাছে জিনিস না বেচলে আপনাদের পেটে ভাত জুটতো না, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আমার পেঁয়াজ 250 হোক 300, আমরা 250 হলেও খাই 300 হলেও খাই, কিন্তু আপনারা 300 টাকাতে পেঁয়াজ কেনার হিম্মত নাই, আমরা 250 হলেও খাইতে পারি 300 হলেও খাইতে পারি, আমাদের এই যে পেঁয়াজ 300 টাকা, আমরা এক বেলা পেঁয়াজ ছাড়া তরকারি রান্না করি না, এটা আমাদের হিম্মত, আমরা পারি, এটা এটা আমরা পারি, আমরা পারি, আমরা আপনাদের পেঁয়াজ যদি 300 টাকা হয় তাহলে ওই সরকারের পাশায় গিয়ে আপনারা আগুন দিতে না তখন? আমরা আমরা তো ছেড়ে দিয়ে আছি, তো দেখছেন না, আমরা তো এখনো শেখ হাসিনা কিছু বলি নাই। আপনার কে বলছে আমাদের সে কয়েকদিন আগে গম আসছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে, আপনাদের তো গম গম রপ্তানি তো নিষেধাজ্ঞা আপনাদের, আরে বাবা আপনি তো নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে, তো নিষেধাজ্ঞা তো বেনামোল বর্ডার যতগুলো বর্ডারে আছে, হ্যাঁ তো কি হয়েছে
কিনেছি আমরা টাকা দিয়ে কিনি, আমাদের টাকা আছে। আমরা না কিনলে আপনারা না খেয়ে মরবেন, পেঁয়াজ পচে যাবে। আমরা পণ্য কেনা বন্ধ করলে আপনাদের কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে, আপনি জানেন না এটা? জানেন না এটা? বাংলাদেশে যে হরতাল হলো, হরতালের সময় কলকাতার নিউ মার্কেটের দোকানদাররা না খেয়েছিল, ভিডিও প্রমাণ আছে, দেখবেন, দেখবেন নি? দেখবেন নি? হ্যাঁ দেখবেন। হ্যাঁ বলেন বলেন। হ্যাঁ বলেন। পাকিস্তানের তো আপনারা ধ্বংস করতে পারেননি, পাকিস্তানরা আমরা ধ্বংস করছি। পাকিস্তানরা আপনারা একটা গুলি ছোড়ারও সাহস রাখেন না, আপনারা পাকিস্তানকে একটা গুলি ছোড়ারও সাহস রাখেন না। পাকিস্তানকে আমরা ধ্বংস করছি, পাকিস্তানকে আমরা তাড়াইছি, আপনারা কিছু করতে পারেননি পাকিস্তানের। পাকিস্তানের বর্ডারে একটা গুলি ছোড়ার হিম্মত নাই আপনাদের। ওই যত বড় বড় কথা আমরা ছোট দেশ আমাদের এখানে এসে বলেন, কিন্তু পাকিস্তানকে আমরা তাড়াইছি বাংলাদেশ থেকে, বুঝতে পেরেছেন? আর আমরা আপনাদের পণ্য কিনবো না, এটা আমাদের বিষয়, আপনাদের জ্বলাপোড়া করে কেন বলেন? আমাদের টাকা আমরা যেখানে খুশি সেখানে খরচ করবো, আপনাদের একটা সমস্যা কোথায়? হ্যাঁ আপনাদের আপনাদের পেঁয়াজ আপনারা মুড়ায় রেখে দেন, আপনাদের মধ্যে আপনাদের পেঁয়াজ গম কাপড় রেখে দেন, আমাদের সবই আমরা উৎপাদন করব। ঠিক আছে, আমরা সব উৎপাদন করব, সব উৎপাদন করব। আপনারা অপেক্ষা করেন, এত টেনশন করেন না, ঠিক আছে? তো জনাব আপনি ये देखा कि वीडियो कॉल की जा रही थी, इंडिया के एक जर्नलिस्ट थे, फिर इधर से बांग्लादेशी थे, और इनकी बात सुनी आपने, कैसे वो कह रहे हैं कि हम आपको प्याज देते हैं, हम आपको गंदम वीट देते हैं, और फिर हमने आपकी मदद की 1971 में और आपको आज़ाद करवाया बांग्लादेश को पाकिस्तान से, यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो फिर वो आगे से जो जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर इतनी ज़रूरत है, जो आप हमारे लोगों को मारते हो बॉर्डर के ऊपर, आप पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस तरह का काम करें ना जाके, आपको वो सबक सिखाएंगे, आपको वो बताएंगे कि कैसे जनाब बॉर्डर किलिंग होती क्या है। यानी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाकर आप इस तरह का कोई कदम उठाएं। तो फिर दूसरी बात, वो प्याज की गंदम की बात कर रहे हैं, वीट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें आप हमें 6 माह से प्याज नहीं दे रहे। यानी बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट तारिक साहब हैं, वो कह रहे हैं इंडियन को कि आप हमें 6 मंथ से प्याज नहीं दे रहे, क्या हम मर गए हैं, क्या हमें कुछ हो गया है, हम तो हमें तो कोई परवाह भी नहीं है आपकी प्रोडक्ट्स की, हम उससे महंगे दामों में प्याज लेके सर्व कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी देंगे तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो फिर आप देखें कि वो किस तरह से गालियां दे रहे हैं, गुस्से से बड़ा रूडली बात कर रहे हैं बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के साथ, और फिर उनको कैसे गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे हैं, शेख हसीना जी को, और कैसे, अगर एक सवाल पैदा होता है कि भारत को कोई परवाह नहीं है, भारत को कोई इस छोटे मुल्क से असर नहीं पड़ता, तो फिर इस तरह से गालियां क्यों दी जा रही हैं, फिर क्यों कहा जा रहा है कि आप बायकॉट कंपेन क्यों चला रहे हैं? भाई आप चुप करके बैठ जाएं, आपको तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। अगर भारत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बायकॉट करने से बांग्लादेश के, तो फिर चुप करके बैठ जाएं ना, इतना गुस्सा किस बात का है, इतना वावेला किस बात का है? इसका मतलब ये हुआ कि भारत अच्छा खासा डैमेज हो रहा है, भारत इंटरनेशनली तौर पर भी डैमेज हो रहा है, सोशली भी डैमेज हो रहा है, फिर इकोनॉमिकली भी डैमेज हो रहा है, और ये किया किसने है? बांग्लादेशियों ने, इनको उनकी औकात याद दिलवा दी। तो नाज़रीन मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।